देश में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बस्ती जिले में यूपी का सबसे कम उम्र का पॉजिटिव मरीज मिला। जिले में 3 महीने के बच्चे में कोरोना वायरस मिले हैं। संभवतः ये देश में सबसे कम उम्र में कोरोना संक्रमण का मामला है। 3 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले माँ बेटे का एक साथ सैंपल जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दोनों जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए हैं। ये बच्चा हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र मिल्लत नगर का है। इससे पहले 30 मार्च को कोरोना से एक युवक की मौत हो गई है। बच्चा मृत युवक के ममेरे भाई के परिवार से है। बच्चे के पॉजिटिव पाए जाने के बाद माँ के भी संक्रमित होने की आशंका है। बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि जिला अस्पताल में माँ के साथ क्वारंटाइन बच्चे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं 3 माह के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। डीएम के मुताबिक माँ की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। देखिए, कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस बस्ती में अब तक 14 मिल चुके हैं और ये संख्या बढ़ना चिंताजनक हो सकता है, लेकिन साथ में ये इस बात का भी घोतक है कि जो 31 तारीख को जब हमारे यहाँ पहला कोरोना का केस आया था, उसके बाद से जो हमारा सर्वे हुआ है और जो हमारी पैरेलली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्सरसाइज चल रही है वो काफ़ी इफेक्टिव है। लगभग 250 के आसपास सैंपल हम यहाँ जनपद से भेज चुके हैं और उसमें से अधिकांश की रिपोर्ट भी आ गई है। ये जो 14 केसेस निकले हैं, ये सारे के सारे केसेस एक ही एरिया के हैं और एक ही परिवार उसके रिश्तेदारियों में से हैं। तो हम लोगों का अभी तक प्रयास ही रहा है कि मैक्सिमम सैंपलिंग हम लोग करा दें और उसमें जो लोग निकलते जाएं उनको आइसोलेट करते रह जाएं, जिससे कि चेन ऑफ प्रोपेगेशन टूट जाए इसकी। ऑलरेडी ये जो 3 एरिया हैं जिनको हम लोग हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रखा है, तुरकैया, मिल्लत नगर और गदई खुर्द के, ये सारे केसेस इन्हीं एरियाज के हैं। इसमें हर मायने में कंप्लीट लॉकडाउन है। इसमें पब्लिक का मूवमेंट और वाहनों का मूवमेंट कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, फल हुआ, सब्जी हुआ, राशन हुआ, मेडिसिन हुआ, इनकी सप्लाई भी गवर्नमेंट सुपरविजन में ही हो रही है। वो डोर टू डोर सप्लाई हो रही है। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी की बात है, इसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सभी वेल इक्विप्ड है। मैन पावर की जहाँ तक बात हो, मेडिसिन की बात हो, मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो, लोगों कर्मचारियों की ट्रेनिंग की बात हो, इसमें सभी चीज़ों में हम लोग बिल्कुल पुख्ता तरीके से हैं। हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरे अनुसार स्थिति पूरी तरह से भी नियंत्रण में है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये उम्र के हिसाब से नहीं आता है, ये कॉन्टैक्ट से आता है। जो ये वायरस है ये ट्रांसमिट होता है, प्रोपोगेट होता है उसमें। तो ये भी जो ये परिवार है जिनका ये बच्चा है, ये भी उसी परिवार से लिंक परिवार का ही मामला है। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चा 3 माह का है और जनरली ये माना जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो कोई अप्रिय स्थिति ना आ जाए तो हम लोग उसको BRD मेडिकल कॉलेज, जो कि L3 फैसिलिटी है हमारे जनपद के लिए, वहाँ भेजने का इनको प्रयास कर रहे हैं हम। इसके साथ ही बस्ती में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के KGMU द्वारा जारी नए आंकड़े के मुताबिक सोमवार को 47 नए मरीजों में COVID-19 की पुष्टि हुई, जबकि 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।